दिल्ली की तिहाड़ जेल तो बाहर आए ने संजय सिंह। दस दिए कि आम आदमी पार्टी आगू वालों संजय सिंह का भरवां स्वागत किया गया इस संघर्ष का समय। तो संजय सिंह वालों बाहर आते बयान दिता गया कि इस संघर्ष का समय केजरीवाल की रिहायश से संजय सिंह जाएंगे, सुनीता केजरीवाल के नाल मुलाकात संजय सिंह वालों की जाएगी। तो दस दिए कि दिल्ली की तिहाड़ जेल तो बाहर संजय सिंह आ चुके हैं। तो तिहाड़ जेल तो बाहर आंदया ही आम आदमी पार्टी आगुआ वालों उन्हों का भरवां स्वागत किया। संजय सिंह ने बयान दिता कि यह संघर्ष का समय। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल की रिहायश से संजय सिंह जाएंगे। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी नाल संजय सिंह वालों मुलाकात की जाएगी। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल तो बाहर संजय सिंह आ गए ने। आम आदमी पार्टी आगू वालों संजय सिंह का इतने भरवां स्वागत किया गया। तो संजय सिंह ने जेल तो बाहर आंदया ही बयान दिता कि साडे लई संघर्ष का समय। अरविंद केजरीवाल की रिहायश से संजय सिंह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाल संजय सिंह वालों मुलाकात की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ आतिशी जी मौजूद है। आतिशी जी, संजय सिंह की रिहाई, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, अब आगे क्या? देखिए, संजय सिंह की रिहाई सत्य की जीत है। पिछले दो साल से आम आदमी पार्टी के हर नेता पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। दो साल से सीबीआई और ईडी ने जांच करी, सैकड़ों अफसर लगाए, हजारों रेड की, लेकिन एक रुपए भी भ्रष्टाचार का पैसा नहीं मिला। आज संजय सिंह की रिहाई पूरे देश को ये संदेश देती है कि ये मोदी जी की तानाशाही थी, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। संजय सिंह किस तरीके से अब इस पूरे कैंपेन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बुलंद आवाज आम आदमी पार्टी की माने जाते हैं संजय सिंह। देखिए, संजय सिंह शेर हैं, वो अब तिहाड़ जेल से निकल के फिर से दहाड़ेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ तानाशाही पर दहाड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डरना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज संजय सिंह अब तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन जिस जिम्मेदारी की बात कही जा रही है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव प्रचार की जो कमान है वो संजय सिंह संभालेंगे, तो किस तरीके से अब कैंपेन आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और इस रिहाई को क्या मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये रिहाई दिखाती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, दो साल से झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज संजय सिंह की रिहाई पूरे देश को दिखा देगी कि आम आदमी पार्टी के साथ सत्य की विजय हुई है। तो यानी जश्न का माहौल है, हालांकि संजय सिंह ने कहा कि जश्न नहीं मनाएंगे, जश्न तभी मनेगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, लेकिन अब ये आवाज जन जन तक जाएगी और घर घर तक ये आवाज पहुंचाई जाएगी। देखिए, जश्न तो हम तब मनाएंगे, अभी हमारे चार साथी जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जी जेल में हैं। जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन चारों लोग बाहर आएंगे, लेकिन आज संजय सिंह जी की रिहाई सत्य की विजय का जो संदेश दे रही है, ये संदेश पूरे देश में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को अब डरना चाहिए, उनकी बुलंद आवाज से डरना चाहिए। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संजय जी, माना जाए कि संजय सिंह कल से जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चार संभाल रहे हैं अब। देखिए, संजय सिंह जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया हों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हमेशा से चार्ज था। ऐसा नहीं है कि जेल में जाने के बाद हमने उनका नेतागिरी का चार्ज ले लेते हैं। कैंपेन शुरू करेंगे कल से, क्या पार्टी वर्कर्स कैंपेन चल रही है? कैंपेन चल रही है, मगर ये बात है कि उनके आने से पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी, एक वरिष्ठ नेता जो है जेल के बाहर आएंगे तो दिशा निर्देश दे सकेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी की जो भी
इंस्ट्रक्शन अंदर से आएंगी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक वरिष्ठ आदमी हमारे साथ बाहर सबसे पहले तिहाड़ जेल से निकल के संजय जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलेंगे, फिर पार्टी दफ्तर आईटीओ में जाएंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे और सब बाहर छूटेंगे, इस पर ये बीजेपी सवाल खड़े करी कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? नारा दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे सभी नेता छूटेंगे, इसका क्या मैसेज देने की कोशिश है? अरे तो हिंदी में, हिंदी भी नहीं समझ में आती, अंग्रेजी तो नहीं आती थी उन्हें समझ में, अब हिंदी भी नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को समझ में, हिंदी में हिंदी को समझ लें भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल जी के तो